उसे सुकून कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ इस तरीके का शायरी वाला वीडियो बनाना सीखेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की ये सवाल थी कि सर जो ये शायरी वाला वीडियो जो बनता है, देख सकते हैं शायरी वाला जो वीडियो है बनता है, कैसे ये बनता है और ये बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कैसे आप सिर्फ एक मिनट में इस तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक वाला शायरी वाला वीडियो आप बना सकते हैं, या डायलॉग वाला, या जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फनी में डायलॉग है या कोई हर्ट यानी शायरी है, सैड शायरी है, कुछ भी अगर आपको अंदर मतलब टैलेंट है, रिकॉर्ड करना चाहते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वीडियो बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, आज वहीं इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, जो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा उसको फॉलो करना है, आप भी सिर्फ एक मिनट में इस तरीके का वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं जो भी बता रहा हूँ इंस्टाग्राम रील्स ऐप पर ही बता रहा हूँ, और रील्स वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं इस तरीके का तो बना सकते हैं, ठीक है। रील्स वीडियो मतलब जो बनाते हैं उनके लिए ही है। तो यहाँ पे रील्स पर हम शायरी वाला वीडियो बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम ऐप को प्ले स्टोर में जाके देख लेना है, अपडेट तो नहीं मांग रहा है, अगर अपडेट मांग रहे हैं तो अपडेट कर लेना है, और फिर आपको अपना इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रील्स पर क्लिक करना है, और रील्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको करना क्या, देखिए यहाँ से मैं साउंड को कम कर लेता हूँ नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही रील्स ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करना है। आप कैमरे पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। अभी देख सकते हैं हमारी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है किस तरीके से हो रही है। कैमरा ऑन होने के बाद से फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो भी फिल्टर लगाना चाहते हैं अपने वीडियो में, ठीक है, यानी जो भी शायरी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या कोई सैड स्टेटस आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या कोई डायलॉग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फनी कोई रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको फ़िल्टर अपने हिसाब से सेट कर लेना है, या फिर आप बिना फ़िल्टर के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से कोई एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, यहाँ पर ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है, और मैंने ये फ़िल्टर ले लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है अपने बीच सेंटर में एक बार। अब जैसे ही क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बैक कैमरा ऑन हो गया, मैं फ्रंट ही कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ अच्छे से। अब ऑन होने के बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे टाइमिंग अपनी सेट कर लेनी है, कितने सेकंड की आपकी शायरी होने वाली है, या डायलॉग होने वाला है, या स्टेटस जो बोलने वाले होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी टाइमिंग सेट कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पर 30 सेकेंड कर लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा भी होता है तो मैं उसे आगे कट कर लूँगा, ठीक है। तो आपको भी 30 सेकेंड कर लेना है ताकि आप आसानी से बोल सकें। अगर 15 सेकेंड की अधिक का होता है आपका वीडियो तो क्या होगा कि आपका आधा अधूरा रह जाएगा, तो आपको 30 सेकंड कर लेना है। अब करने के बाद से फ्रेंड्स, आपको जो भी बोलना है अब रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे एक ट्रिक और बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप ईयरफोन को लगा के उसमें जो माइक होता है उसका यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपने फ़ोन के जो इंटरनल माइक होता है उसी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और आपकी शायरी रिकॉर्ड हो जाएगी, और बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, यानी एक शायरी रिकॉर्ड कर लेता हूँ छोटा सा, या कुछ भी बोल लेता हूँ। आज मेरा दिल फिर से उसने तोड़ दिया, ठीक है, मैंने इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और बता दूँ, आपकी जितनी शायरी है उतना तो रिकॉर्ड कीजिए, यानी 10 सेकंड की हो रही है, 5 सेकंड की हो रही है, उतना रिकॉर्ड कर ले। और साथ ही फ्रेंड्स, आपको उस जो आपकी साउंड अगर रिकॉर्ड हो जाती है तो आपको अपनी वीडियो स्टॉप नहीं करना है, उसको कम से कम 5 सेकंड या 7 सेकंड तक चलने देना। जैसे कि मैं यहाँ पे और रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि हमने ये स्टॉप कर दिया था, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए इसमें बोल दिए हैं तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि म्यूजिक लगाएंगे तो अच्छा नहीं आएगा, तो यहाँ पर चुपचाप हो जाते हैं, फिर इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। सो फाइनली हमने 5 सेकेंड तक यानी 7 सेकेंड तक रिकॉर्ड कर लिया। क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसमें जो है बैकग्राउंड म्यूजिक जो है मतलब बजता है तो फील आता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। आप सुने होंगे वैसे ही हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके को मतलब आप सुने होंगे रील्स पे, बहुत सारे आप स्टेटस सुने होंगे, शायरी सुने होंगे, और इमोशनल जो होता है वो भी इंस्पायरेशन जो होता है उस तरीके का सुने होंगे, बहुत अच्छा लगता है, उसी टाइप को हम आपको बता रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है जो भी बोलना है, और यहाँ पर मैं प्ले करके सुना देता हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो प्ले हो गया, थोड़ा सा जो मैंने बोला है फिर से मैं आपको यहाँ पे सुना देता हूँ। आज मेरा दिल फिर से उसने तोड़ दिया, देखिए इसको डिलीट कर देते हैं, पता ना कैसे दब गया।
तो इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना, मैं साउंड कम कर लेता हूँ। अब आपको करना क्या, जब आपकी शायरी रिकॉर्ड हो जाए फ्रेंड, तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है। अब आपको नेक्स्ट पे अभी नहीं क्लिक करना है, एक और काम करना है। यहाँ पे जो आपको ऊपर की तरफ देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक म्यूजिक का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे जो कैमरा ऑडियो लिखा हुआ है, ये आपका ऑडियो जो आपने बोल के रिकॉर्ड किया है, ये आपका ऑडियो है, तो इसको 100 रखना है। ठीक है, 100। अब यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं म्यूजिक आइकन बना है, ऐड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। कैसे लगाना है देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक किया, यहाँ पे एक बार फिर बैक आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी म्यूजिक रहेगा यहाँ पे आपके सामने, गाना म्यूजिक जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ पे आ जाएगा। अब जिस टाइप का आपका शायरी है, डायलॉग है, म्यूजिक है, उसी टाइप को आपको म्यूजिक ढूंढ लेना है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, और मेरा जो है सैड टाइप का है, तो मैं यहाँ पे सैड लिख कर म्यूजिक ढूंढ लूँगा, सैड म्यूजिक। जिस टाइप का आपका रहे उस टाइप को आपको सर्च कर लेना है, तो यहाँ पे सैड म्यूजिक हमने सर्च कर लिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले करके सुन लेता हूँ। सो देख सकते हैं ये वाला म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस म्यूजिक को लगाऊंगा, लेकिन ये जो साउंड है फ्रेंड्स मैं ज़्यादा नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, तो मैं साउंड को कम कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे कम करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या, आपको म्यूजिक जो है कहाँ से लगाएंगे तो आपके शायरी में अच्छा बैठ रहा है, यहाँ पे दोनों आपकी साउंड भी सुनाई देगा और आपके जो म्यूजिक है उसका भी साउंड सुनाई देगा। तो आपको यहाँ से अपनी साउंड जो भी बोल रखे हैं उसी के हिसाब से आपको सेट कर लेना है, किस जगह से आप म्यूजिक को उठाएंगे तो आपकी जो शायरी है बेस्ट लगेगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग ये वाला जो पॉइंट है इसको बीच में रखूँगा, क्योंकि आगे से जो म्यूजिक बज रहा है और यहाँ से थोड़ा तेज़ म्यूजिक हो जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं यहाँ से इसे सेट कर लूँगा, जहाँ तक बोला हूँ वहाँ तक इसको रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लेंगे हम कहाँ तक बोले हैं, जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ से बोलना हम बंद कर दिए, तो यहाँ पे रेड वाला मैं रख देता हूँ क्योंकि यहाँ से जो है म्यूजिक थोड़ा अच्छा बजता है, फील आता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लिया और डन कर लेंगे। आपको भी अपनी जो शायरी है, डायलॉग है, या जो कुछ भी रिकॉर्ड की है, फनी है, आपको फ़नी म्यूजिक ढूंढना है, या जो कुछ भी आप बनाए हैं रिकॉर्ड किए हैं आपको रिकॉर्ड कर लेना है। अब उसके बाद से म्यूजिक को अपने शायरी के हिसाब से ही सेट कर लेना है और फिर डन पे क्लिक करना है। अब डन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। यहाँ पे आपको म्यूजिक पे फिर से क्लिक कर लेना है और अपनी कैमरा ऑडियो को 100 कर लेना है। और ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी ऑडियो, जो आपकी शायरी वाला म्यूजिक यानी म्यूजिक है, उसको आपको अपने ऑडियो के हिसाब से इसे कम ही रखना है। ठीक है, जैसे कि 30% या 40% तक रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्ले करके सुनाता हूँ एक बार। फिर से उसने तोड़ दिया, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये म्यूजिक हमारे वीडियो पे फिट हो गया यानी सेट हो गया। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे एक बार प्ले करके सुना देता हूँ। तो सुन सकते हैं ये म्यूजिक हमारे शायरी यानी जो हमारा शायरी वीडियो है बन चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ से चाहें तो आप तुरंत अपलोड भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम रील पे, और या फिर आप चाहते हैं इसे सेव करके इसमें कुछ और एडिट करना तो यहाँ पे सेव ड्राफ्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव ड्राफ्ट में इसे रख लेता हूँ, अभी अपलोड नहीं करूँगा, कुछ देर बाद अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी तुरंत हमने कई सारी वीडियो अपलोड की है। ठीक है, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से बना के तुरंत भी अपलोड कर सकते हैं या कुछ देर बाद भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।